मथुरा ट्रैफिक यातायात माह के चलते एसपी ट्रैफिक सीओ सिटी यातायात क्षेत्र अधिकारी ने चेकिंग अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया और जो लोग फोर व्हीलरों में बेल्ट लगाकर नहीं चल रहे थे उनसे बेल्ट लगाने की अपील की। वहीं टू व्हीलर वाहनों पर बैठे तीन तीन सवारियां और बिना हेलमेट के चला रहे वाहनों को उनके चालान किए गए। चालान करने के साथ साथ उन लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया गया। ट्रैफिक नियमों के बारे में टू व्हीलर और फोर व्हीलर वाहन वालों को जागरूक किया जा रहा था। वहीं वहां से निकल रहे बिना हेलमेट लगाए पुलिस कर्मियों को रोका तो गया परंतु उनका चालान नहीं किया गया। क्या यह नए नियम सिर्फ जनता पर ही लागू होते हैं, पुलिस कर्मियों पर नहीं होते? जबकि मौके पर आला अधिकारी एसपी ट्रैफिक सीओ सिटी और क्षेत्र अधिकारी भी मौजूद थे परंतु पुलिस वालों को रोका तो गया, ना तो उनके चालान किए गए और ना ही ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया गया। जब पुलिस कर्मी ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो जनता कैसे पालन करेगी? जहां यातायात नियमों का उल्लंघन पुलिस कर्मी कर रहे हैं और आला अधिकारी खड़े होकर यह तमाशा देख रहे हैं कि पुलिस कर्मी यातायात माह की धज्जियां उड़ा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा के अनुरूप दिनांक 17 जून से 22 जून तक मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को जागरूक करने का है कि दुर्घटनाएं कम से कम हों और अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए दो पहिया वाहन चालकों से लगातार उनको बताया जा रहा है कि हेलमेट का प्रयोग करें और चार पहिया वाहन चालकों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो सीट बेल्ट का प्रयोग करें। उन लोगों के लिए एक अच्छा संदेश है जो कहते हैं कि पुलिस वालों में चालान नहीं हो रहे, वकीलों को नहीं हो रहे, पत्रकारों को नहीं हो रहे, सबके चालान इस समय किए जा रहे हैं? देखिए, इस समय जो भी सड़क पर, चाहे वो पुलिस वाला हो, अधिवक्ता हो, पत्रकार समाज से हो या किसी पद पे हो, अगर वो दो पहिया वाहन चला रहा है तो निश्चित तौर पे हेलमेट का वो प्रयोग करें ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और चार पहिया वाहन चालकों को हिदायत दी जा रही है कि आप लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें ताकि हेड इंजरी ना हो